आफ्टरनून, अभी बज रहे हैं 12 और मैं अपना ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग का जितना भी कुछ काम था ना सब हो गया था, बहुत सुबह ही सब मतलब उठ गई थी मैं और सब काम हो गया था। और हाँ, सोच रही हूँ आजकल मैं ना एक दो दिन में मेड को बुला लूँ, क्योंकि ना सब मतलब सब मेड को अब मतलब अलाउ कर दिया है ये सोसाइटी में कि मेड आ सकता है, आ सकती है, आ सकता नहीं आ सकती है, तो सबके यहाँ मेड आने लगी है, बट मेरे यहाँ नहीं। एक हाँ, एक जून से सबके यहाँ आने लगी है, बट मैं नहीं बुलाई हूँ अभी तक, कि बुलाऊंगी ना बुलाऊं, मैं भी बुला लूँ। तो अभी सुबह का तो जितना काम था सब हो गया है, मैं ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ और सुबह सुबह नहा धो के सब कुछ काम बोलते हैं ना बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी और सब काम खत्म हो गया। और बैठ के बोलते हैं थोड़ा सा चीज मारना, थोड़ा सा बैठ के बातें किए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, फिर उनका ऑफिस का काम था वो चले गए, मैंने थोड़ा सा टीवी देखी। और अभी बज रहे हैं 12 और मेरा लंच बनाने का टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा आधा घंटा पूरे एक घंटा तो लग ही जाएगा और 1 बजे लंच का टाइम हो जाएगा, तो चलिए लंच बना लेते हैं। उसके बाद लंच बनाते बनाते बातें करते हैं, मैं सोच ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया जाए, तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज मैं ये साड़ी पहनी हूँ इस ब्लॉग पे, गर्मी देखो कितनी गर्मी है। तो मैं मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट इसे बनाना होता था फिर ओपन क्लोज ले ली हूँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन ओपन क्लोज में, आज फिर से ले ली हूँ। वैसे काम वाम करते टाइम तो ऐसे कर लेती हूँ, हो जाता है। और आज मैं इस ब्लाउज पे ये साड़ी पहनी हूँ, ये ब्लाउज एक्चुअली मेरा बहुत पुराना है, देख सकते हो ये छोटा बाजू का है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है छोटे बाजू का ब्लाउज, बट आज मैं पहन ली इस पे, अच्छा लग रहा है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट किया जाए काम, मतलब लंच बनाना, लंच बन जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा। तो मैं कढ़ाई ले ली हूँ और आज मैं फिश करी बना रही हूँ लंच में, ये फिश भी मैरिनेट करके रख दी थी मैं, ये मैं फिश को पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी और इसमें मैं हल्दी मिर्ची और मैं नमक और लहसुन का पेस्ट डाल के मैरिनेट करी हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ और अच्छी तरीके से इसको गर्म कर दी हूँ, तभी मैं इसमें फिश डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ा होने के बाद मैं पलट दूंगी फिश को, और फिश जब भी बनाओ ना आप मस्टर्ड ऑयल ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है मस्टर्ड ऑयल में फिश। और फिश को हम डीप फ्राई करके निकाल देंगे। और आज मैं ये लहसुन पहले से इसे पेस्ट बना के डाल दूंगी, ठीक है, ओनियन डाल दूंगी। ये क्या बोलते हैं जो सिया होता है ना उंडी, वो फ्राई करूंगी, इतना उड़ता है ना मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा जो फटा फटा होता है ये, जब भी डालती ना बहुत डर लगता है मुझे, और वही डाली हूँ अभी उड़ रहा है ये, इसलिए मैं ना स्लो कर दूँ, ये सेम स्लो कर दूँ, ज़्यादा फटे नहीं हो रहे नहीं। ये ओनियन और गार्लिक का मैं ना ये पेस्ट बना दूंगी, मैं पेस्ट बना के ही डालू, बाद के नहीं डालू ना ग्रेवी में, पेस्ट बना के डालू तो बहुत अच्छा बनता है मोटा मोटा ग्रेवी। फिर मैं सेम ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और जो पेस्ट बना के रखी थी ना ऑनियन का गार्लिक का वो सब डाल दूंगी मैं, और थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी, और ये डालते ही इतना उड़ता है ना तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पक जाने के बाद टमाटो डालूंगी, अगर साथ के साथ टमाटो डाल दूंगी ना तो ऑनियन पकेगा नहीं, इसे थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी इसको, इसको काट के बस इसको इसका ना पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको काट के डालना है, मम्मी लोग ऐसे तोड़ के डालती है इतना अच्छा पेस्ट आता है ना, बट मैं काट के डालती हूँ, मम्मी लोग के हाथों का मछली का तो बात ही अलग है, तो मैं इतना डाल दूंगी, कोई मसाला जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना तभी डालना है ये। और टमाटो डालते ही क्या डालना है, नमक, टमाटो डालते ही नमक डाल दो, बहुत जल्दी बन जाता है ना, मतलब गल जाता है बहुत जल्दी ही। मिर्ची, नमक के साथ मिर्ची भी डाल दी, तो सब मसाला साथ में डाल दो, धनिया पाउडर,
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी बिना बने हुई हल्दी पाउडर और सब मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और फ्राई कर देंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे और अगर आप सरसों मछली बना रहे हो ना तो सरसों मछली में गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि ना सरसों का अपना टेस्ट होता है ना इसलिए गरम मसाला नहीं डालना। मैं अभी सरसों फिश नहीं बना रही हूँ गरम मसाला डाल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बनते बनते ही खाने में तो पता नहीं कितना टेस्टी होगा और बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना फिश कड़ी बहुत खुशी हो रही है पूरे 2 महीने बाद बना रही हूँ और बहुत खुश हूँ आज और डेली बनने वाला आज 2 महीने बाद बन रहा है। कितना भी गैस को स्लो करके फिश बनाओ ना फिर भी किचन का ये हाल हो जाता है। ये देखो पूरा ऑयल ऑयल हो गया है और इसके बाद मुझे फिर डीप क्लीन करना पड़ेगा किचन को। तो जब ऑयल सेपरेट होने लगा तो मैं पानी डाल दिया और पानी तो अपने हिसाब से डालना है कितना ग्रेवी रखना है तो पानी डाल दिया और थोड़ा सा पानी में इस तरह से बॉयल आने लगेगा उसके बाद हम जो फिश फ्राई करके रखे थे वो सब डाल देंगे। तो मैं इसमें जितना भी फिश था सब डालती हूँ। और ये देखो ना थ्रेडिंग आज स्टोर रूम भी खुला ही है मेरा। सब पानी आज ही ले जाएंगे एक्चुअली सब बोतल में खाली करके रख दी थी। पाव इस रूम में आकर बचा जाता है तो कूल लग रहा है यहाँ की किचन साफ ना तो लगता है यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो जाऊं। ये तो खाना खा लेते हैं प्रेशर निकल गया होगा और ये मैं फिश को यहाँ ठंडा होने डाल दी थी। प्रेशर निकला कि नहीं एक बार चेक कर दिया थे। हाँ निकल गया है। तो ये रहा मेरा यम्मी यम्मी फिश करी और आप लोग में से कितने ऐसे हैं कि जो हेड होता है ना फिश का वो पूरा ऐसे खाते हैं सभी कटवा खाते हैं। मैं तो ऐसे पूरा ही खाती हूँ मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे फिश का हेड। तो चलिए बन गया है मेरा फिश करी और खा लेते हैं अब। और ठंडा ये भी ठंडा हो गया राइस तो ऐसे ही गर्म ही है बट ये तो हमें फैन के नीचे डाल दी थी तो ये ठंडा हो गया है। तो चलिए खा लेते हैं। और ये देखिए जो आप लोग में से कोई नॉनवेज खाते हो तो खा सकते हो बहुत ही यम्मी बना है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ और हाँ अगर धनिया पत्ता है ना तो धनिया पत्ता ऊपर से डाल दो बहुत टेस्टी लगता है बट अभी मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैं नहीं डाली बस ऐसे ही सिंपल सा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चलिए खा लेते हैं बिना देर के ही। तो लंच करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में बोलते हैं ना फिश बनाओ तो डबल काम बढ़ जाता है खाने में बहुत मज़ा आता है बट काम बहुत बढ़ जाता है तो वही होता है। तो मैं किचन क्लीन करूँगी अब और उसके लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर दी हूँ और उसमें सर्फ डाल दी हूँ और एक नींबू निचोड़ के डाल दी हूँ और इससे मैं अब पूरी सफाई करूँगी कुक टॉप की काउंटर टॉप की पूरी सफाई करूँगी वॉल जितना भी मतलब जहाँ भी ऑयल दिखता है ना पूरा बोलते हैं ना ऑयल का छींटा पड़ जाना तो वो पड़ जाता है ना जब भी फिश बनाओ तो वो सब मैं अच्छी तरीके से अभी क्लीन करूँगी और दो बार इस सर्फ पानी और नींबू से करूंगी उसके बाद 2 बार मैं क्लीन तो प्लेन वाटर जो होता है ना उससे करूंगी। तो चलिए करते हैं अब क्लीनिंग किचन की क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है।
सबको एक बार सर्फ पानी और नींबू से साफ़ करने के बाद दो बार मैं प्लेन वाटर से भी साफ़ करती हूँ ताकि जो भी है वो हट जाए, मतलब इस पे रहे नहीं सर्फ का पानी। तो अच्छी तरह मैं इसको साफ़ करती हूँ और इसको भी धो के कपड़े ड्राई कपड़े पे डाल दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो और इस सब पे थोड़ा सा ऑयल का छिट्टा पड़ ही जाता है ना चाहते हुए भी, तो इस सबको भी थोड़ा कॉलिन से क्लीन कर दी हूँ। तो हो गया है मेरा किचन क्लीनिंग। चलिए तो हो गया है मेरा किचन क्लीन, अब जरा तो ये देखो मेरा एकदम से किचन क्लीन हो गया है, कहीं भी एक भी ऑयल का छींटा नहीं है। बर्तन ज्यादा था नहीं इतना, ये प्लेट था एक छोटा सा ये, और एक वो प्लेट जूस में खाना खाई थी बस, कम मतलब बहुत कम बर्तन था, सब धुल गया मेरा। इस सबको भी जगह पे लगाना है, टाइम नहीं मिल पाता है यार। चलिए किचन का काम खत्म हो गया है, अब आऊंगी शाम को मैं किचन अभी जाऊंगी तो शाम को आऊंगी किचन में। तो सब काम खत्म करके मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में थोड़ा सा बोलते ना हवा का मजा लेना, बस वही है। उसके बाद मैं फिर जाऊंगी रेस्ट करने के लिए। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम दोनों बाहर आ गए हैं क्योंकि कुछ कुछ छोटा छोटा काम सब पेंडिंग था, तो वो सब काम करने के लिए बाहर आया। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, तो हमारा काम हो गया है। हमारा काम हार्डवेयर का था एक्चुअली, जो जितना भी बाथरूम है ना बताई थी ना ये निकाल ली हो। तो हमारा इस लॉकडाउन में दोनों बाथरूम भी लॉक हो गया था। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो उनको पता होगा कि मेरा दोनों बाथरूम लॉक हो गया था, तो उसी का लॉक तुड़वाना पड़ा, तो उसी का लॉक लेने हम यहाँ आए थे। और हो गया, पार्क जाएंगे अब हम दोनों। और पार्क में आ गए हम लोग, सब काम खत्म करके ही जाएंगे, बोलते हैं ना इवनिंग वॉक करके ही जाएंगे। अभी आज मौसम बहुत अच्छा है ना, और तीन चार दिन से ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, संडे से ही मुझे लग रहा है ना, संडे तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और नीचे से आने के बाद मैं नहा धो के दिया दिखा के उसके बाद मैं चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो मुझे नहीं रहा जाता, बिल्कुल ही नहीं। तो ये बन गई मेरी चाय, और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर दे दी हूँ, आज कुछ बनाने का मन नहीं था बस, इसलिए थोड़ा सा मिक्सचर दे क्योंकि जल्दी आज खाना खा लूंगी। चलिए पी लेती हूँ चाय। तो ये देखो एकदम ही बेकार हो गया, मतलब ये खाने लायक नहीं रह गया, जितना था वो मैं निकाल के इतना ये खाने वाला नहीं है, मतलब यूजलेस हो गया, फेंकने वाला हो गया, मतलब फेंकने के लिए मैं निकाल देती थी। बट इसका यूज मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ भी जो वेजेस हो या फ्रूट्स हो वो जो अगर मतलब सड़ जाता है गल जाता है खराब हो तो उसको फेंको मत, उसको यूज करो। तो मैं आज ये सड़े गले टमाटर का यूज आप लोगों को बताऊंगी, और बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे टमाटर तो मैं नहीं यूज करती हूँ, जो ऐसा बेकार हो जाता है ना उसको यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम। इसमें मैं थोड़ा सा बस इतना सा ये शुगर डाल दूंगी, चीनी तो बस थोड़ा सा ही देना, ज्यादा नहीं देना है ये। फिर हमें ये देखो थोड़ा सा मैं दे दी हूँ, इसका मैं यूज करूंगी, ये एकदम स्क्रबिंग के जैसे, तो स्क्रब जैसे करते हैं ना वैसे यूज आता है ये। तो चलिए इसका मैं यूज बताती हूँ। तो इस टमाटो को फर्श पे रख के मैं इसको इस तरह से प्रेस करके इसका जो भी रस है ना निकाल दूंगी, और इस तरह से अपने पाँव का मसाज करूंगी, वैसा 2-3 मिनट तक मैं मसाज करते रहूंगी। और क्या है, टमाटो चाहे अच्छा हो चाहे सड़ा गला हो, प्रॉपर्टी सेम ही होती है, वो हमारे स्किन के लिए वाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करती है। और जो टमाटो और शुगर का मिक्सचर है वो हमारे स्किन के लिए ना स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो भी सन टैन होता है, डेड स्किन होता है, उस सबको रिमूव होता है। तो ऐसा हम 2-3 मिनट तक करेंगे स्क्रब, उसके बाद प्लेन वाटर से अपने पाँव को धो लेंगे।
वाटर से मैं पाँव को वॉश करने के बाद मैं टॉवल से ड्राई कर दूँ अच्छी तरीके से, और जो भी आप मतलब बॉडी लोशन लगाते हो ना वो यूज़ कर सकते हो, और अच्छी तरह से पाँव का मसाज कर दो इस तरह से, और बहुत ही रिलैक्स लगता है ऐसा करके अगर आप लोग देखना, बहुत ही अच्छा लगता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं 2-3 मिनट तक पाँव का अच्छी तरह से मसाज करूँगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो जो भी कुछ किचन का जो सड़ा गला होता है ना उसको फेंकने से पहले मैं एक बार जरूर सोचती हूँ कि इसका यूज़ क्या होगा, अगर यूज़ नहीं होता है तभी मैं फेंकती हूँ। तो चलिए मैं अपने पाँव का मसाज करती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी डिनर के लिए, और डिनर भी मेरा बन गया है, बस खाना है अभी। तो ये रहा आज का डिनर हमारा। नेक्स्ट रिक्वेस्टेड वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर लॉट्स ऑफ लव।